हज़रत अबू हुरर रदी अल्ला से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अल्लाह ताली वसल्लम के पास एक इंसान आया आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्ल वसल्लम मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली या रसूल अल्लाह सल अल्लाह ताल वल् अब मैं क्या करूँ अल्ला के नबी सल्ला ताली वसम इर्शाद फरमाते हैं कि तुम साठ रोज़े रखो अल्लाह के नबी ने जब इतना फ़रमाया तो वह इंसान कहने लगा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम मैं इतना कमज़ोर हूँ मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं साठ रोज़े रख लूँ मैं साठ रोज़े नहीं रख सकता या रसूल अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम साठ रोज़े नहीं रख सकते तो साठ मस्किनों को खाना खिला दो जब इतना कहा तो वो कहने लगा या रसोल्ला सल्ला तसलम मैं इतना मालदार नहीं हूँ कि साठ मस्किनों को खाना खिला दूँ या रसोल्ला मैं इतना गरीब हूँ कि कभी रात को खाता हूँ तो दिन में नसीब नहीं होता है दिन में खाता हूँ तो रात को नसीब तो नहीं होता है या रसोल्ल्लासम मैं कैसे साठ लोगों को खाना खिलाऊँगा अल्लाह के नबी इर फरमाते हैं ठीक है तुम साठ मस्किनों को अगर खाना नहीं खिला सकते हो तो एक गुलाम आज़ाद कर दो वो कहता है या रसूल रसोल्ला सल्ला अलैहि वसल्लम मैं मैं मैं, कहाँ से गुलाम लाऊं मैं कहाँ से गुलाम आज़ाद कर दूँ मैं खुद दूसरों का गुलाम हूँ या रसूल अल्लाह रसोल्ला अलैहि वसल्लम मेरे पास कोई गुलाम नहीं है जिससे मैं आज़ाद करूँ अल्लाह के नबी सल अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तो, तो, तो बैठ जाओ थोड़ी देर वो बैठा रहा इतने में हुजूर हज़ूर अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खजूरों का टोकरा आया एक सहाबी खजूर लाए और हुजूर की बारगाह में पेश की हुजूर हज़ुर अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स कहाँ है वो कहने लगा हजूर सल्ला अलैहि वसल्लम से या रसोल्ला अलैहि वसल्लम मैं यहीं मौजूद हूँ मैं यहीं बैठा हुआ हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरों का टोकरा उठाया और उसे दे दिया कहा जाओ अपने महल्ले में अपने गाँव में बस्ती में जाके इसको तकसीम कर दो इसको लोगों के दरमियान बाँट दो तुम्हारा कफारा आदा हो जाएगा तो वो कहने लगा या रसोल्ला सल्लल्लाहु अल्लाह ताल वल् मैं अपनी बस्ती में अपने महल्ले में सबसे ज़्यादा गरीब मैं ही हूँ मुझसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है या रसोल्ला सल्ला वल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अल्लाह ताली वल्लम मुस्कराए और इतना मुस्कराये कि दंदाने मुबारक दिखने लगे चमकने लगे इतना गरीब इंसान हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि ठीक है तुम ले जाओ इसको तुम खाना अपने बीवी बच्चों को खिलाना अपने घर वालों को खिलाना तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा देखें हुजूर हजूर अलैहि वसल्लम की शफकतें देखें और करम देखें हुजूर का कि हुजूर ग़रीबों के साथ कैसे पेश आते हैं रमज़ान शरीफ़ का महीना है ये हमें सब्र सिखाता है और इस महीने में आपको सब्र से काम लेना चाहिए इस महीने में जो रोज़ा रखता है तो उसको पता चलता है कि यार जो गरीब इंसान होते हैं ना तो उन्हें कैसा महसूस होता है जब वो भूख लगी होती है उन्हें तो भूख की हालत में उन्हें कैसा लगता है कैसा महसूस होता है तो वो अपने अंदर आप फीलिंग लाएँ अगर आप रोज़ा रखते हैं और वो असर का टाइम जब आता है मगरिब से थोड़ा पहले का टाइम तो उस टाइम मालूम चलता है कि यार हाँ उस टाइम आप तसव्वुर करें उस टाइम सोचें कि जो ग़रीब लोग होते हैं जो भूखे रहते हैं तो उनकी भूख का अंदाज़ा लगाया करें हाँ उनकी भूख का आलम क्या होगा यार हम तो आज ये महीना हमें नसीब हुआ ये पाक महीना हमें नसीब हुआ इस महीने में हम लोग रोज़े रखते हैं तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीबों को तकसीम करें ग़रीबों की मदद करें और ग़रीबों का सहारा बने क्योंकि अगर आप गरीबों का सहारा बनेंगे आप गरीबों में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपके माल में बरकत अता फरमाएगा और आपके काम में बरकत अता फ़रमाएगा आप की दौलत में बरकतता फरमाएगा आप अल्लाह पर ख़र्च करेंगे अल्लाह आपको उतना ही नवाजेगा तो ये रमज़ान शरीफ का पाक महीना है इसके फ्यूज़ वरकार से आप लोग माला माल होते रहें इस महीने में इस पाक महीने में अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसको खाली हाथ वापस ना करें उसको खाली हाथ ना लौटाएँ क्योंकि रमज़ान शरीफ में अगर कोई एक ने भी करता है ना उसको सत्तर गुना सबाब मिलता है तो सबाब कमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह में नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करें और सब्र का फल मीठा ही होता है वो किसी इंसान ने एक बुलबुल बुल को ख़रीदा था बुलबुल बुल को अपने घर लाया लाने के बाद वो बुलबुल बुल जब बोलती थी ना बड़ा मीठा लगता था लोग उसको सुनते थे थोड़े दिनों के बाद उस बुलबुल बुल के पिंजड़े के पास एक तोता आया तोता आया और उड़ गया जैसे ही वो आया था ना और उड़ा उसके बाद वो बुलबुल ने बोलना ही छोड़ दिया हाँ अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है वो तोता आया उड़ गया बुलबुल ने बोलना छोड़ दिया अब जब भूलना छोड़ दिया तो वो परेशान हो गया यार हमारी बुलबुल -बुल अभी तक तो बोलती थी अब क्यों नहीं बोलती गई इंसान हजरत अलैहिस्सलाम के पास गया हज़रत अलैहिस्सलाम का ज़माना चल रहा था हज़रत अलैहिस्सलाम के पास गया का हुजूर हमारी बुलबुल अभी तक बड़ा अच्छा बोलती थी बड़ा मीठा बोलती थी बड़ा अच्छा लगता था अब वो बोलना ही बंद कर दिया एक तोता आया एक दिन वो बैठा पिंजड़े के पास में और उड़ गया उस दिन से मेरी बुलबुल बुल ने बोलना बंद कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं आए उस बुलबुल बुल के पास क्योंकि आप परिंदों से भी बातें किया करते थे आपने हर चीज़ पर हुकूमत की आप उस बुलबुल बुल के पास आए आने के बाद आपने आपस में बातें की तो बुलबुल बुल ने कहा वो तोता जो आया था ना उसने ये बताया कि तुम सब्र से काम लो तुम्हें यह पिंजड़े के अंदर इसलिए कैद किया है कि तुम बोल रही हो तुम बोलती हो और तुम्हारी बोली इन्हें मीठी लगती है तुम तो यह कहती हो कि मुझे पिंजड़े से आज़ाद कर दो मुझे जंगलों में छोड़ दो मुझे उड़ा दो तुम तो यह कहती हो लेकिन इनके समझ में कुछ और आता है और इन्हें तुम्हारी आवाज मीठी लगती है तो इससे बेहतर है कि तुम सब्र करो और सब्र से काम लो जब तुम सब्र करोगी तो ये लोग तुम्हें खुद आज़ाद कर देंगे जब इतना कहा तो हजरत सलीमान समझ गए उस इंसान ने उस बुलबुल को आज़ाद कर दिया उसे लग रहा था कि यह बुलबुल अब बीमार हो चुकी है यह बुलबुल अब बोल नहीं रही है इसमें कोई कमी आ गई है कोई नुकसान आ गया इसलिए उसने उस बुलबुल को आजाद कर दिया पता चला कि सब्र से अगर काम लोगे तो फायदा हमारा ही होगा सब्र से काम जो लेते हैं उनका फायदा होता है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है तो सब्र से काम ले